अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राणा शहजाद कमर और हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। आज हम फर्स्ट ईयर शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड रिटन बाय ब्रैडबरी 1922 to 2012। आज हम इस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं और वी विल स्टडी First of all, what is the title? Then, the genre and characters, theme, storyline, question answers and synonyms. और ये सब शुरू करने से पहले हमारी last lecture में एक question था कि examiner जब आपका paper set करता है तो उस वक्त उसके माइंड में क्या होता है। आज हम उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, उसके बाद हम अपने काम पे जाएंगे। सो जब एग्जामिनर आपका पेपर सेट करता है तो उसके माइंड में जो सबसे पहली चीज आती है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से, वो है थीम ऑफ द स्टोरी, थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, जब यानी आपको पता है कि देर आर सर्टेन थीम्स ऑफ द पीस ऑफ लिटरेचर। एक शॉर्ट स्टोरी या एक पोएम की एक से ज्यादा थीम्स हो सकती हैं और जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो हमेशा थीम्स पर ही सेट किए जाते हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स आ जाते हैं। सेकेंड नंबर जो होता है इंपॉर्टेंस का, वो कैरेक्टर का होता है। यानी जस्ट सपोज दैट वी आर डिस्कसिंग दिस स्टोरी डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी एंड देन कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने किस तरह का रोल प्ले किया है, इसमें उनके रोल पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किसी भी स्टोरी को पढ़ते हुए आपने जहन में क्या रखना है कि थीम आपने उसका अच्छे से समझना है। अगर आपको थीम समझ आ जाता है तो आप उसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। देन उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नेम और उनका रोल आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद आमतौर पर जब पेपर सेट करता है सेटर, तो जो जिसकी स्टेटमेंट छोटी होती है क्वेश्चन की आपकी एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं, वो ख़ास तौर पर जहन में रखा करें क्योंकि उसको आसानी होती है उसमें, कि पेपर को सेट करते हुए ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, एक लाइन में जो क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर उसको वो प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगली बात क्या है, हमेशा आपके पेपर में जो पास्ट पेपर्स में आ चुके होते हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस, उनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आमतौर पर मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त टिप देने वाला हूँ। आमतौर पर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपने रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को लाजमी मद्देनज़र रखना है। तो ये तो टिप थी आज की जो आप लोगों को बताई है कि एग्जामिनर के जहन में क्या होता है जब वो आपका पेपर सेट कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको टिप्स मिलती रहेंगी, आप लोग हमारे लेक्चर्स देखते रहें और इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो आइए जी हम आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड ये एक मॉडर्न स्टोरी है और मॉडर्न स्टोरी होने के साथ साथ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेंड है। ये ब्लेंड किस चीज़ का है आपको पता है? जानरा क्या होती है? जानरा से मुराद है स्टोरी की टाइप। तो आप देखते हैं जी, मैंने लिखा हुआ है कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ फिक्शन, फैंटसी, सटायर एंड मोरालिटी। आमतौर पर एक स्टोरी एक जॉनरा से ताल्लुक रखती है, लेकिन इस स्टोरी को इस मजेदार अंदाज से लिखा गया है कि इसमें आप देखेंगे तो आपको एक ब्लेंड मिलता है। यह ब्लेंड क्या है? सबसे पहले तो यह एक साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन किस तरह से है कि इसमें इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं जो हमारे आम तौर पर हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं है। ठीक है, कुछ लोग निकलते हैं 800 से 1000 लोग,
वो मार्स पर चले जाते हैं और मार्स पर जाकर वो वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। राइटर के मुताबिक वहां पर वो सब्जियां उगाते हैं, वहां पर वो फल उगाते हैं, वहां पर वो रहना शुरू कर देते हैं, घर बनाते हैं, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन आम तौर पर हमारे आइंदा आने वाली जिंदगी में जो साइंस की इजादात हो सकती हैं या जो कुछ हैपनिंग्स हो सकती हैं उनके मुतालिक जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें आगाही देता है या जिसके मुतालिक वो एक पैशन गोई करता है, दैट इज कॉल्ड अ साइंस फिक्शन लिटरेचर। देन फैंटेसी क्या है? फैंटेसी से मुराद है समथिंग रिटन इन द रैम ऑफ इमेजिनेशन, यानी तसव्वुर पर मबनी, यानी ऐसा कुछ लिखा गया जो रियलिटी में नहीं है बट हो सकता है, विच इज फ्रॉम सुपरनेचुरल। ठीक है, सुपरनेचुरल से जो ताल्लुक रखता हो, जो नेचुरल ना हो, सुपरनेचुरल हो, दैट इज कॉल्ड फैंटेसी। सटायर, सटायर मींस क्या है? सटायर से मुराद होता है किसी के ऊपर तंज करना, इस तरह तनकीद करना कि उस पर तंज हो, दैट इज कॉल्ड सटायर। तो ये एक सटायर भी है। फिर उसके बाद मोरालिटी क्या है? हमें एक सबक मिले जिसमें, विच गिव्स अस समथिंग लाइक अ लेसन, तो ये एक मोरालिटी भी है। तो मैं इसको प्रूव करता हूं और साथ साथ में आपकी ये कंप्लीट स्टोरी भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो आइए जी हम सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स में है बिटरिंग हैरी, देन कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड। मिस्टर बिटरिंग इज अ मैन, ही इज अ फैमिली मैन, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। मिस्टर बिटरिंग जो है वो इस खानदान के हेड हैं। उसके बाद उनकी बीवी है कोरा और उनका एक छोटा बेटा डैन है और उनकी एक बेटी है, शी इज कॉल्ड लॉरा, एंड द एल्डर ब्रदर डेविड। यानी तीन बच्चे हैं और ये दो मां और बाप, फाइव पीपल फैमिली। अब ये फैमिली जो है ये बाकी तमाम लोगों के साथ मार्स पर चले जाते हैं, यानी देयर ट्रिप टू मार्स। मार्स पर जाते हैं जी, और इनके साथ कितने लोग हैं जी? 800 प्लस लोग हैं इनके साथ। ये लोग सब मार्स पे चले गए। कहानी जब शुरू होती है तो कहानी में एक रॉकेट मार्स पर जाकर खुलता है एंड इट्स लिड गिव्स बल्जिंग पॉप। अच्छा, ये वर्ड मुझे जहन में आ गया। आमतौर पर इसकी प्रोनंसिएशन के हवाले से बच्चे परेशान रहते हैं। इट्स नॉट बल्गिंग, इट्स बल्जिंग। बल्जिंग मीन्स धमाकादार, यानी कुछ थोड़ा सा उसमें साउंड ज्यादा क्रिएट हो और दरवाजा खुले, कोई गेट ओपन हो, तो दैट इज कॉल्ड बल्जिंग पॉप। ठीक है जी, तो साउंड आती है, मार्स पर ये पहुंच गए हैं, वो उनका लिड ओपन होता है, रॉकेट से बाहर आ जाते हैं। अब रॉकेट से बाहर आने के बाद क्या होता है? सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि अदर पीपल हु आर विद देम ये सब निकल जाते हैं, ये मार्स की फिजाओं में, चरागाहों में बिखर जाते हैं, और ये फैमिली जो है ना, ये फैमिली वहां पर अकेली रह जाती है। अब सबसे पहला ये काम वहां पर क्या करते हैं जी? ये फैमिली वहां पर जाकर सबसे पहला काम करते हैं जी, दे बिल्ड अ कॉटेज, दे बिल्ड अ कॉटेज या होम। मैं तो इसे होम लिखूंगा क्योंकि वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं, फैमिली है ना। ठीक है, तो वहां पर ये अपना घर बनाते हैं, फिर उसके बाद ये नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अब हमने यहां पर क्या करना है और हम किस लिए यहां पर आए हैं। अब बेटा ये यहां तक तो हम स्टोरी तक पहुंच गए कि ये मार्स पे चले गए हैं और मार्स पर जाने के बाद इन्होंने वहां पर अपने लिए सोचा है कि हमने अब यहां पर रहना है, कुछ देर के लिए स्टे करना है। लेकिन जाते ही सबसे पहले जो वापस आने के लिए जमीन पर जो शख्स बात करता है, ही इज मिस्टर बिटरिंग। मिस्टर बिटरिंग इज रेडी टू कम बैक टू द अर्थ एंड देयर इज द क्वेश्चन,
why he want to come back, and then the answer tells us the causes of their escape. Yani question usne uthaya ki main wapas jana chahta hu, aur jab hame answer milta hai to wo answer kya hai. एक्चुअली उनकी कॉजेज ये हैं जी कि उनके यहाँ से ज़मीन से जाने की वजूहात में सबसे पहली वजह जो है दैट इज़ वॉर, वॉर ऑन अर्थ. ठीक है जी, वॉर ऑन अर्थ, ज़मीन पर जंग है. ठीक है जी, नो पीस, कोई सुकून नहीं है इस ज़मीन के ऊपर. ठीक है जी, तो इन चीजों को लेकर ये लोग चले गए थे. जैसे ही ये शख्स कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूं, कौरा टिकट्स बाय करें और हम वापस जाएं, हालांकि वहां से कौन सी टिकट्स, वहां से कौन सी कोई ट्रेन आ रही थी या जहाज आ रहे थे, लेकिन इट्स ओनली ए फैंटेसी. मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आमतौर पर स्टूडेंट्स बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं कि वहां से कौन सी कोई सर्विस है ज़मीन पर आ रही, ये जो कह रहा है मैं टिकट्स खरीद के वापस चला जाऊंगा, या वहाँ पे किस तरह से उन्होंने सब्जियाँ उगा ली. तो बेटा ना कोई मार्स पे वो गए हैं और ना ही ये कोई रियलिटी है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक फिक्शन है, फैंटेसी है. ठीक है, और ये फैंटेसी कैसे है, इमेजिनेशन में लिखी गई एक स्टोरी है, सिर्फ एक सटायर करने के लिए कि अगर इस दुनिया में इस कदर वॉर, ब्लडशेड, ये पीस की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी तो आखिरकार क्या होगा, लोग यहां से एस्केप करना शुरू कर देंगे. सो इट मेड देम गेट एन एस्केप, वो यहां से भाग गए. ठीक है, ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये बिट्रेन, कोरा, डैन, लॉरा, डेविड, दीज आर एक्चुअली पीसफुल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी दोज पीपल हु वॉन्ट टू बी पीसफुल. ठीक है जी, ये वो लोग हैं जो पीसफुल रहना चाहते हैं. असल में हमें उसने क्या समझाने की कोशिश की है, यानी हमें फर्स्ट थीम क्या मिलती है, ये मैंने फर्स्ट थीम लिख दी है, वॉर ऑन अर्थ, यानी पहली थीम क्या है, इस जमीन पर जंग है, ब्लडशेड है, पीस नहीं है, और इसकी वजह से ये जो पीसफुल लोग हैं ये इस दुनिया से निकल जाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि चाहे हमें मार्स जैसी जगह पर जाकर रहना पड़ जाए, हम वहां पर रह लेंगे, लेकिन हमें मौत का अंदेशा नहीं होगा गोली, बॉम्ब या सुसाइड अटैक से. यानी आप देखें जरा, सबसे पहले मार्स इज नॉट मेड फॉर मैन, मार्स इज नॉट मेड फॉर मैन, मैन मीन्स ह्यूमन बींग्स. ठीक है जी, मार्स जो है ना ये इंसानों के लिए नहीं बना हुआ. सो हेयर वी फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, के वो कहता है वहां पर मौसम बहुत खराब था, हवा ऐसे चल रही थी जैसे उनके अंदर से उनकी हड्डियों में से रोगन निकाल देगी और वो मर जाएंगे बहुत जल्द, और उनसे वो उसको बर्दाश्त करना उस क्लाइमेट को बहुत डिफिकल्ट था. वो लोग बहुत मुश्किल से वहां पर गुजारा कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई केमिकल उनके अंदर जज्ब हो रहा हो जो उनके इंटेलेक्ट को जाया कर देगा, जो उनकी याददाश्त को खत्म कर देगा और जो उन्हें इस दुनिया से ले जाएगा. ठीक है, अब ये सारी चीजें उसने डिस्कस की हैं, मार्स इज नॉट मेड फॉर मैन, बट ये लोग फिर भी वहां चले गए और इन्होंने जाके वहां पे रहना शुरू कर दिया, और इन्होंने वहां पर रहने के लिए बाकायदा इंतजाम करना शुरू कर दिए. इन्हें पता है ये लोग, ये जगह इनके रहने के लिए नहीं बनी हुई. फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो इनके साथ ट्रेजेडी है, जो इनके साथ हुई, वो ट्रेजेडी क्या है, डार्क डेवर एंड गोल्डन नाइट. दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस here, dark river and golden night. ये भी इसकी थीम में आ जाएगा बेटा, गौर कीजिए. डार्क से मुराद काले,
गोल्डन आइड सुर्ख आंखों वाले, सुनहरी आंखों वाले। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो उनके साथ होती है दैट इज द चेंज इन देयर बॉडी एंड शेप, चेंज इन बॉडी एंड शेप। अब क्या होता है जी, शेप में चेंज आ गया, बॉडी में चेंज आ गया, क्यों? क्योंकि मार्स इंसानों के लिए नहीं बना हुआ। अब क्या है जी, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंसानी जिंदगी में है इंसान की बॉडी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मॉडर्न टाइम में इंसान सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देता है वो अपनी बॉडी को देता है और अपनी शेप को देता है, अपनी शक्लो सूरत को देता है। इंसान खूबसूरत दिखाई देना चाहता है और इंसान का ये बहुत बड़ा एसेट है। दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को स्लंप आ जाता है, कोविड आया, हर एक इंडस्ट्री को स्लंप आया, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री डाउन नहीं हुई तो वो मेकअप की इंडस्ट्री थी। तो फिर क्या होता है, ये लोग जो हैं इन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी अपने बॉडी और अपनी शेप की। किस तरह से? ये काले होना शुरू हो गए और उसके बाद इनकी आंखें सुनहरी होना शुरू हो गई, यानी ये ब्लैक फॉर्म हो गए, गोल्डन यानी ये वाइट फॉर्म थे और वहां जाकर ये ब्लैक फॉर्म होना शुरू हो गए और इनकी आंखें सुनहरी होना शुरू हो गई। दिस इज द सिंबल ऑफ अग्लीनेस। एक्चुअली उसने इन दोनों चीजों को मिलाकर उसने बताया है कि हाउ अग्ली दे वर लुकिंग, वो किस तरह से बहुत ज्यादा बदसूरत हो रहे थे। लेकिन इन सारी चीजों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो कहता है कि अब उनकी आंखें जो थी वो सुनहरी होना शुरू हो गई थी और उनके रंग काले होना शुरू हो गए थे और वो वहां पर फिर भी ठहरे हुए थे। हैरी ये कोशिश कर रहा था कि अगर वापस जाने का कोई तरीका इख्तियार किया जाए, उसके लिए उसने रॉकेट बनाना शुरू, उसने एक रॉकेट बनाना शुरू किया, उसने कोशिश की, उसने बाकी लोगों को भी इस पर अर्ज किया कि आप मेरी हेल्प करें, लेकिन कोई शख्स उसकी हेल्प नहीं करता था। राइटर लिखता है कि दे यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप बट दे नेवर डू एनीथिंग एंड व्हाट हैपेंड, दे सिट ओवर देयर टॉकिंग विद ईच अदर, जोकिंग, एंड समटाइम्स दे गिव हिम अ हैंड, मीन्स टू से दे हेल्प हिम इन लिफ्टिंग समथिंग। लेकिन वो कोई भी सीरियस नहीं था रॉकेट बनाने में, उसे वापस लाने में। तो ये क्यों था? ये भी इसीलिए था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे वापस आना। ठीक है जी, हमने अभी तक क्या चीज देखी? हमने देखा कि बिटरिंग कोशिश कर रहा है आने की, लेकिन वो लोग उसकी हेल्प नहीं कर रहे, वहां पर उसके साथ बैठे रहते हैं और फिर उसके बाद आखिरकार वो वहां से निकलते हैं। हैरी भी ये डिसाइड कर लेता है कि हमें वापस नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वही खतरा जिसके लिए वो यहां से निकले थे वो काम हो जाता है। खबर आती है, एक फ्लैश यानी रेडियो न्यूज आती है कि जी जमीन पर एटॉमिक वॉर स्टार्ट हो गई है, न्यूयॉर्क पर हमला हुआ है। यानी कौन ये आकर, लॉरा आके ये खबर देती है सबको कि जमीन पर हमला हो चुका है। अब अक्सर बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं कि जी उनको किस तरह से पता चला, कौन सा उनके साथ कोई टेलीफोनिक रब्ता था। तो ऐसा नहीं, ये वही बात फिर से दोबारा, फैंटेसी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिक्शन है ये। तो क्या होता है जी, लॉरा बताती है कि जमीन से खबर आई है, हो चुका है धमाका, हो चुका है, न्यूयॉर्क हिट हो गया है। बाद में लोग जो हैं वो अब परेशान हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। अब वहां पर वो डिसाइड करते हैं कि हमें मार्स को छोड़कर नहीं जाना, वी आर गोइंग टू बी नेटिव हियर, दिस इज द डिसीजन टाइम, बिकॉज दे नो ह्यूमन बीइंग्स आर
never getting peace in their life on earth. ये कभी भी पीस को हासिल करने वाले नहीं हैं. 5 साल गुजर जाते हैं, वो लोग वहाँ से उठकर पहाड़ियों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं. क्यों? अब ये क्वेश्चन है बीच में, समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को. वो वहाँ से उठकर पहाड़ों में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो ये दिखना चाहते थे कि हम यहाँ के नेटिव हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं. अब गौर कीजिए कि उन लोगों ने पीस हासिल करने के लिए, पीस हासिल करने के लिए उन्होंने ज़मीन की तमाम तरह साइशें, आप मतलब वो एक जुमला है जिसमें कौरा बोलती है कि योर फाइन क्लॉथ्स, योर बुक्स, नथिंग इज देयर. तुम्हारी वो तमाम तरह साइशें, लग्जरीज ऑफ लाइफ, एसी, फैन, ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे मौजूद था वो अब वहाँ पे नहीं है. क्लाइमेट बहुत सख्त है, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लोग सिर्फ पीस की खातिर वहाँ पर जाकर रह रहे हैं. तो फिर क्या होता है जी, वो लोग चले जाते हैं पहाड़ों में, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं. और 5 साल का अरसा गुजरता है, 5 years, यानी आफ्टर 5 years अमेरिका से कुछ लोग आर्मी वाले उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं मार्स पर. जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो घर बनाए थे इंसानों ने मार्स पर जाकर, जो एक बस्ती बसाई थी, वो अब वीरान पड़ी हुई है. वहां पे उनके जो घर हैं वो टूट फूट गए हैं. वो जो उन्होंने वहाँ पर जो जो कुछ भी बनाया था, बार बनाए थे, जो भी फसलें उगाई थी, वो भी सब अब बंजर पड़ा है. अब वो उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं और जाकर पहाड़ों में जब उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिनसे वो पूछते हैं कि यहाँ पे इंसान रहा करते थे, जो ज़मीन से आए थे, वो किधर गए हैं. तो वो लोग जो पहाड़ों में उन्हें मिले वो कहते हैं हम नहीं जानते वो किधर गए, हम ज़मीनी लोगों को नहीं जानते, क्योंकि सब लोग जाकर पहाड़ों में बस गए हुए थे. अच्छा, ये मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जो ज़मीनी ज़्यादातर लोग थे वो 800 लोगों में से वो पहले ही पहाड़ों में चले गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमें ज़मीन से कुछ लोग लेने के लिए ज़रूर आएंगे, और वो उनसे बचने के लिए जाके छुप गए थे. ये फैमिली कोशिश कर रही थी कि हम ज़मीन की तरह का यहाँ पर भी एक कस्बा, बस्ती, कुछ ऐसा हम क्रिएट करें, हम वो वाली लाइफ गुजारने की कोशिश करें. लेकिन ये लोग भी नाकाम हुए और फिर ये भी उनके साथ वहाँ पर चले गए. और जब लेफ्टिनेंट आके बताता है अपने ऑफिसर को कि सर हमें वहाँ पर नेटिव लाइफ मिली है, जो मार्स के रहने वाले हैं, हम उनसे मिले, हमने उनसे पूछा है कि ज़मीनी लोग यहाँ पर आए थे वो किधर गए, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता किधर गए. और वो फ्रेंडली लोग हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं, लेकिन लेकिन दे आर डार्क एंड गोल्डन आइट. जब वो ये बताता है ना ऑफिसर को, तो ऑफिसर आगे से क्या कहता है, ओह डार्क गोल्डन आइट, काले लोग हैं, छोड़ो रहने दो. इवन ही डजंट वांट टू इंक्वायर, वो ये जानना ही नहीं चाहता कि वो कौन है. अब अंदाजा कीजिए के नस्ली इम्तियाज की यहां पर बात की गई है, नस्ली इम्तियाज की बात की गई है, सटायर है इंसानों पर, यह बहुत बड़ी सटायर है. आखिरी एक लाइन, सिर्फ एक लाइन नहीं है, पूरी इंसानियत पर उसने एक सवाल खड़ा कर दिया. आपको पता है कि पूरी दुनिया में अभी तक ब्लैक्स जो हैं वो अपने हकूक के लिए लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको क्यों नहीं हकूक दिए जाते हैं, उन्हें स्लेव समझा जाता है. क्यों? सिर्फ उनकी रंगत की वजह से. तो यही उसने यहां पे सटायर की है. उसने कहा है कि सिर्फ एक रंग काला है, आंखें उनकी सुर्ख हैं, इसका मतलब है अगली हैं. क्योंकि अगर ब्लैक पर्सन हो और उसकी सुनहरी आंखें हो तो वो बड़ा अजीब दिखाई देता है. उसने कहा कि सिर्फ इस वजह से जो ऑफिसर है रेस्क्यू करने वाला, रेस्क्यूर, अब गौर कीजिए इन चीजों पर, रेस्क्यूर
सिर्फ इसलिए उनको रेस्क्यू करने से बाज आ जाता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो काले हैं और गोल्डन आइड हैं। फिर क्या होता है जी? वो कहते हैं ये एक मिस्ट्री है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। इट मीन्स इट इज अंडरस्टूड दैट ही नोज, द ऑफिसर नोज, द रेस्क्यूअर नोज, दे आर अर्थन पीपल, बट ही डजंट वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट देम बिकॉज दे आर डार्क, दे आर ब्लैक, दे आर गोल्डन आइट। तो ये सटायर पूरी इंसानियत पर हुई कि ना तो हम पीसफुल हैं, ना हम कोई अच्छे लोग हैं, ना हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम वायलेंट सॉल्स हैं, हम इंसानों से प्यार करने की बजाय हम उनकी रंगत से प्यार करते हैं, हम अगर इज्जत देते हैं तो सिर्फ नस्ली इम्तियाज को देखते हुए इज्जत दी जाती है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, उसमें मोरालिटी हमें क्या मिली? मोरालिटी ये मिली कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर जो पीसफुल लोग हैं इस दुनिया में वो यहां से भागने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे इस दुनिया से हमें भागने का कहीं मौका मिल जाए तो हमने ये नहीं करना। ये हमारी थीम्स और स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। अब आपको यकीनन मुकम्मल तौर पर यह समझ आ गया होगा कि वह इज द टाइटल डार्क दिवर एंड गोल्डन आइट, देन ब्लेंड ऑफ फिक्शन, फिक्शन क्या समझ आ गई, फैंटसी क्या है समझ आ गई, सेटायर क्या है समझ आ गई, और इसमें मोरालिटी क्या है ये हमें समझ आ गई। देन मार्स पर वो लोग क्यों गए, कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, बिटरिंग है, कोरा है, डैन, लॉरा एंड डेविड है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि वो वहां पर गए, घर बनाया, घर बनाने के बाद वहां पर रहने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए, फिर क्योंकि वहां उन्हें अंदाजा था कि जमीनी लोग आ जाएंगे उन्हें रेस्क्यू करने यानी जमीन पर वापस लाने के लिए, तो वो वहां से कहां चले गए, हिल्स में चले गए, वहां पर जाकर नेटिव्स की तरह रहना शुरू कर दिया, और फिर मार्स पर उनकी रंगत बदल गई और काले हो गए, आंखें सुरख हो गई या सुनहरी हो गई, और उन्हें पता था कि उनके साथ ये सब हो रहा है लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और एंड पर हमें क्या पता चलता है, आखिरी पैराग्राफ में वो लिखता है राइटर के मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग वर गोइंग फॉर अ स्विम, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर जस्ट लाइक देयर एल्डर ऑफ सफरिंग्स, यानी वो बिल्कुल जो हैरी था वो अपने बड़े बेटे की तरह दिखाई दे रहा था यंग, और जो मिसेस बिटरिंग थी यानी कोरा वो अपनी बड़ी बेटी की तरह यंग दिखाई दे रही थी, वो स्लिम एंड स्मार्ट थे और उनके कद लंबे हो गए थे और वो पहले से बहुत तंदुरुस्त और तवाना हो गए थे, और वो अब क्या कह रहे थे, ये जो जमीनी लोग यहां पर आके रहा करते थे वो बड़े अजीब थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, किन्हें कह रहे थे, खुद को कह रहे थे, समझ आ रही बात की, खुद को कह रहे थे, क्यों, क्योंकि वो अब समझ रहे थे कि हम तो यहां के नेटिव हो चुके हैं, हम जमीनी नहीं हैं। कहता है कि अगर किसी शख्स में, राइटर कह रहा है, अगर किसी शख्स में थोड़ी सी भी जो है वो जमीर की कोई चीज जिंदा होगी तो वो कोशिश करेगा अगले आने वाले सालों में जितना इंसान वायलेंट हो जाएगा कि वो निकल जाएगा और वो ज़मीन की नेशनैलिटी छोड़ देना पसंद करेगा, इस ज़मीन की, इस प्लैनेट की नेशनैलिटी छोड़ देना पसंद करेगा, वो यहाँ से निकलकर मार्स किसी ब्याबान किसी डेजर्ट में जाना पसंद करेगा। यानी उसने मार्स को कैसा दिखाया, एक डेजर्ट की तरह, कि जैसे कोई शहर से उठे, लाहौर से उठे और किसी डेजर्ट में थल में जा कर रहना शुरू कर दे सिर्फ इसलिए कि उसे अमन मिल जाए। फिर उसके बाद ये सारी थीम्स होगी, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा जी कि मार्स जो है वो इंसानों के लिए नहीं बना, मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, क्या हुआ वहाँ पर, वो चेंज हो गए, उन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी बॉडी और अपनी शेप की, और फिर वहाँ पर वो हंसी खुशी रहना शुरू हो गए। तो दिस इज व्हाट द होल स्टोरी। तो अब टाइम आ गया जी क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद सिनोनिम्स। आपको पता है हम सबसे जो अहम काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बच्चों के लिए
ऐसा एक गेस निकालते हैं, जो ऐसी एक इम्पॉर्टेंट चीज निकालते हैं जो थोड़ा काम करने से ज़्यादा आउटपुट आ जाए आपके पास, ठीक है। तो मेरी सबसे जो बड़ी कोशिश है, बल्कि करियर कारवान की ये सबसे बड़ी कोशिश है कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा टाइम स्टडी को नहीं दे पाते या एंड आ गया है तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको किया जाए और उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। हमारी ये दुआ भी है और आप लोगों के लिए हमारी ये कोशिश भी जारी है, जिसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई दें। तो 3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के जो इसकी थीम्स पर बेस करते हैं, जो इसके मैक्सिमम एरिया को कवर करते हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा हमें ये उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो उसके वापसी पर डिपेंड है, ठीक है। व्हाई डिड हैरी वॉन्ट टू गो बैक टू अर्थ, ये है जी। अब ये वो सवाल है जिससे सारे का सारा आगे हमें जवाब मिलता है पूरे चैप्टर में, ठीक है, कि वो क्यों वापस जाना चाहता था और फिर वो वापस जाने से क्यों इनकारी हुआ। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाई डिड हैरी वॉन्ट टू स्टे एट मार्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि वो क्यों वापस आना चाहता था, दूसरा फिर वो स्टे क्यों करना चाहता था, और फिर थर्ड क्वेश्चन अबाउट क्लाइमेट, यानी व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस। अब इट्स ऑल अबाउट मार्स, इट्स ऑल अबाउट देयर लिविंग, इट्स ऑल अबाउट व्हाट दे फेस ओवर देयर, ठीक है जी। अब एग्जामिनर जो होता है ना वो हमेशा ये सोचता है, ये देखता है कि इसमें थीम कहाँ पे है, इसकी जो सबसे मेन आइडिया है वो क्या है। तो मेन आइडिया को उसने आपके क्वेश्चन में देना होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शियन वायरस, ये वाली बात देयर चेंज इन बॉडी एंड शेप, ठीक है जी। तो बॉडी और शेप में जो उनके चेंज आया था और वो डार्क हो गए थे, वो गोल्डन आइड हो गए थे, वो क्यों हुए थे, क्योंकि मार्स की फिजाओं में कोई वायरस था। उसने कहा कि ये सारी चीजें बर्दाश्त हो सकती हैं अगर इंसान को पीस ऑफ माइंड मिल जाए, और उसने कहा राइटर ने कि यही पीस ऑफ माइंड जो है ना ये आपको जवान कर देता है, बुढ़ापे से जवानी की तरफ आगे, क्यों, क्योंकि अब उन्हें खतरा नहीं था कि हमें कोई आके सुसाइड अटैकर या कोई बॉम्ब या कोई एटम बॉम्ब हमें फिक्स कर देगा। तो क्या है जी, हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी, हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी, वो कितना डेंजरस था। वो इतना था कि उसने उनको चेंज कर दिया, उनकी बॉडी और उनकी शेप को चेंज कर दिया, उनके कलर को चेंज कर दिया, ठीक है जी। दैट्स व्हाट जी, नाउ द टाइम फॉर सिनोनिम्स। मैंने जस्ट 4 सिनोनिम्स निकाले हैं, 4 वर्ड्स ऐसे आपके पूरे इस चैप्टर में से निकाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वो मतलब मैक्सिमम 80% चांस यही होते हैं कि इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज हॉलर, हॉलर, हॉलर का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या होगा, शाउटेड, ठीक है। सेकंड है फ्लेक अवे, फ्लेक अवे मींस टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखर जाना, और इसका सिनोनिम क्या है जी, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। थर्ड इज बल्जिंग, बल्जिंग मींस क्या होता है, बल्जिंग मींस होता है बहुत साउंड आना, एक्सप्लोसिव साउंड, ठीक है, धमाके की आवाज, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एक्सप्लोसिव साउंड। नेक्स्ट इज प्रॉलिंग अप, ये वो वर्ड है जो किसी पूरी हमारी इस बुक 1 में कहीं और यूज नहीं हुआ हुआ। प्रॉलिंग अप मींस होता है रोमिंग करना, घूमना बगैर मकसद, एमलेसली, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, रोमिंग। ले जी, हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। यकीनन इसमें आपने MCQs में ही याद रखना है, एक MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कितने डॉलर्स में हैरी को सैम बेच रहा था धात, ठीक है, द मेटल दैट
Sam possessed. He wanted to sell it to Harry for $500. ये बहुत दफा आ चुका है, उसमें वो देता है 2, 3, 4, 5, कितने $100 में वो दे रहा था, $500. कितने सालों के बाद वो रॉकेट, रेस्क्यू वाला रॉकेट आया था मार्स पर, 5 years के बाद. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, 5 years के बाद आया था. तो ये 2 MCQs 1-line short question में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी. अब हम आ रहे हैं कि आखिरी हमारा जो एक आप लोगों से जो टिप होती है, नेक्स्ट टिप हमारी होगी कि जब एग्जामिनर के सामने पेपर आता है तो वो क्या सोचता है. द साइकी ऑफ एग्जामिनर मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखें, आप पेपर कर रहे हैं, अगर आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपका एग्जामिनर जब आपका पेपर सामने आता है तो वो क्या सोचता है, वो किस पैरामीटर पर आपका पेपर चेक करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर ये चीज आपको समझ आ जाए तो आपको पता है आप उसके एग्जामिनर के जहन के मुताबिक जब पेपर करेंगे तो ऐसे बच्चे जो 100% लेना चाहते हैं वो 100% ले सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो पास होना चाहते हैं वो पास हो सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनर की साइकी क्या है. तो कल इंशाल्लाह ताला मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, बस ठीक है कटिंग हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि साइकी ऑफ एग्जामिनर क्या होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर हूं मैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से बोर्ड के पेपर चेक कर रहे हैं. तो यकीनन बोर्ड में पेपर जब चेक होते हैं तो एग्जामिनर की जो साइकी होती है वो क्या होती है, आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड खुश रहिए, दूसरों के लिए हमेशा कुछ अच्छा करते रहें. अल्लाह हाफिज़.